चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, तो आगे चलते हैं। अब हम लोगों का सफ़र अब आगे करते हैं राजगीर के लिए। राजगीर में हमारा रात भर का स्टे है। फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंचने वाले हैं और आई थिंक यहीं कहीं हमारा होटल होना चाहिए। आगे वाला लग रहा है, वो वाला है लाल वाला जिसमें चल रहा है। हाँ ये लाल वाला दाहिने हाथ में, ये हम लोगों का फिलहाल होटल। हाँ चलो, हाँ ये फिलहाल हम लोग अपना होटल के बाहर पहुंच चुके हैं। ये फिलहाल हमारा होटल है पूरा, ये जो लंबी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हमारा होटल है और हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पे। पहले पता करते हैं, होटल वाले से बात कर लेते हैं, उसके आगे फिर जब अंदर घुसते हैं उसके बाद फिर आपको आगे दिखाते हैं। फिलहाल होटल वाले भैया से बात हो गई और गेट खुलवाने का व्यवस्था कर रहे हैं, और मैं अभी बैक कैमरा से दिखा देता हूँ एक बार पूरा व्यू कैसा है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी व्यवस्था है। जो भी होगा, रात बहुत ज़्यादा हो रही है, रात को मेरे ख्याल से रात के 12 बजने वाले हैं। शेख भाई को लोगों ने कुली बना दिया है, दीपक भाई भी कुली बने हुए हैं। सबकी हालत बहुत ख़राब है, सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो अब फाइनली मैं ज़्यादा कुछ रिव्यू नहीं दे पाऊंगा और ज़्यादा कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा। देखते हैं, अगर लोगों को थकान नहीं लगी और लोग जाते भी बिस्तर पर फैले नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार अपने रूम का टूर व्यू दे दूँ आपको। और मौसम काफ़ी अच्छा सुहाना होता जा रहा है, हवाएँ काफ़ी अच्छी चल रही है और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को एसी के रूम की ज़रूरत है। जैसी हवा चल रही है, हवाएँ जैसी चल रही है, अगर खिड़की वाला रूम मिल जाए तो काफ़ी अच्छा माहौल मिलेगा। तो देखते हैं आगे जो भी कुछ होता है, अगर दिखाने लायक कुछ भी मिलता है तो दिखाते हैं। और फिलहाल अभी चेहरे का हाल देखे लगा हुआ कि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक ऑफिस में भी काफ़ी सारा कुछ रहा। आज दिन भर में भी आपने देखा कि सुबह मीटिंग हुई, काफ़ी सुबह आज उठा मैं और पूरी टीम भी सुबह उठी, तो सारे लोग थके हुए हैं। देखते हैं अगर वैसा कुछ भी दिखाने लायक लगा तो मैं बिल्कुल वापस आऊँगा। अदरवाइज मिलेंगे अगले दिन अगली सुबह। तो बस यहीं का सफर आज के दिन का यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले दिन। आज का दिन काफ़ी थकाव भरा रहा, सुबह काफ़ी जल्दी उठना पड़ा, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग प्लान, बट आज जो दिन भर में हुआ वो काफ़ी मन को खुश करने वाला था। मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इस मंथ का एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ मुझे चुना जाएगा, पर मैं उस विषय में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, बट इतना मान लीजिए कि दिल में बहुत खुशी है उस बात को लेकर। चलिए आइए रूम के लिए आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल हमारा बेड, ये इधर इधर सिटिंग एरिया के लिए दो चेयर दिए गए हैं और एक
छोटा सा टेबल दिया गया है, ये आई थिंक हॉटपॉट वाला जार है जिसमें पानी वगैरह गर्म किया जाता है, और ये स्टडी टेबल है यदि कोई भी ऑफिशियल रिलेटेड वर्क करना हो उससे रिलेटेड, और ये वार्डरोब है, स्पेस ठीक ठाक है, मैं कहूँ तो मतलब ठीक ठाक क्या सफिशियंट है स्पेस। इसके आगे चलते हैं हम लोग, ये फिलहाल सुबह जो टी वी ऑन करते हुए ऊपर एसी लगा हुआ है। ये कौन सा होटल और कैसे मैंने बुक किया था उसका सारा प्रोसेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से इस होटल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये फिलहाल आई थिंक विंडो है जो कि फिलहाल अभी रात है तो बाहर दिखा नहीं पाऊँगा, और ये है वॉशरूम, साफ़ सफाई ठीक ठाक है यहाँ वॉशरूम की, टॉवल वगैरह दे दिया गया है शावर के लिए, और गीज़र लगा है, बट ये तो सुबह ही पता चलेगा काम करता है या नहीं, बट साफ़ सफाई के मामले में मैं कहूँ तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है इनके होटल की, रूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आइए कुछ विजुअल्स आप इन्जॉय कीजिए। मुझे जो फिलहाल अभी रूम मिला है वो फिफ्थ फ्लोर पे है, और इसमें जो बाहर का व्यू का मज़ा है वो फिलहाल अभी रात की वजह से मैं आपको बाहर का व्यू क्लियर दिखा नहीं पाऊंगी, मेरी आंखें देख पा रही है, मैं उसकी कल्पना तो कर पा रहा हूं बट आपको बता नहीं पाऊंगा। ये व्यू आपको सुबह देखने को मिलेगा, और इस व्यू में इतना मज़ा है कि आपके भी चेहरे पर खुशी झलक जाएगी, और आप भी चाहेंगे कि ऐसा व्यू आप भी देखें। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हैं आप सब? बस यू ही के आज के इस नए दिन के सफर में आपका फिर से स्वागत है, और हम लोग फिलहाल अभी राजगीर में हैं। हम लोग रात में होटल पहुँच गए थे, मैंने एक छोटा सा टूर भी दे दिया था अपने रूम का। अभी फिलहाल हम लोग जिस होटल में हैं उसके छत से जो व्यू आ रहा है वो व्यू मैं आपको बहुत रात से ही मेरे दिल में बहुत ज़्यादा उत्साहित था मैं कि वो व्यू मैं एक बार आपको दिखाऊं कि एक्चुअल में बाहर कैसा व्यू है। तो आइए मैं आपको फिलहाल मैं बैक कैमरा पर ले चलता हूँ और देखिए कि फिलहाल बाहर का व्यू क्या है। फ्रेंड्स को भी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। मॉर्निंग अभिषेक भैया, मेरे ऑल फ्रेंड्स सब्सक्राइबर मेरे YouTube चैनल के जितने वीडियो देखते हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आज का हम अलग ही लुक है। आज एकदम अलग लुक है, इतना मैंने इतना ऐसी नहीं वैसी नहीं जैसे रात में तो नहीं दिखा मैं, लेकिन मॉर्निंग आवर में जैसे देखे उठते एकदम पूरा अजीब सा लगा, बहुत खुश हुआ। रात में तो जब हम लोग पहुंचे तो बारिश भी हो रही थी, बारिश पूरा था, पूरा सुहाना मौसम भी था। हाय दोस्तों, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। और कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों को? बहुत सुंदर नजारा है। सूरज भैया, एक रात आप भाभी से दूर हैं, तो भाभी के लिए कोई संदेश जो कि आने वाले वीडियो में भाभी देखकर मतलब महसूस कर सके कि आप दूर हैं लेकिन फिर भी आप उनके दिल में हैं या वो आपके दिल में हैं? सब पास है, फोटो देख रहे थे। फोटो देख रहे थे, मतलब भाभी का देख रहे थे कि भाभी का देख रहे थे? भाभी का देख रहे थे, हमको लगा भाभी का देख रहे थे। बहुत सुंदर है ना। राहुल भैया, व्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं और नगर तो नहीं है सुबह सुबह? राहुल भैया क्या कहना चाहेंगे व्यू के बारे में? कैसा होटल लगा आपको? है ना, मतलब होटल में दोबारा आके रुका जा सकता है, ऐसा होटल है। अगर कहीं अगर पटना से बाहर अगर दो दिन तीन दिन रुकना है और सस्ती की व्यवस्था चाहिए तो मेरे ख्याल से ये प्लेस बहुत बेहतर हम लोगों ने एक बार चुन लिया है कि हम लोग एक दो बार यहाँ घूम सकते हैं आके, है ना। और दीपक क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग बोल दो दोस्तों को यार। मॉर्निंग दोस्तों, जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वाह वाह वाह, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या उस गली में कभी तेरे
के इस दिल से आ निकलती रही मुझको सजा विचार की, ऐसा क्या गुनाह किया वो लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही मुझको सजा विचार की, ऐसा क्या गुनाह किया वो लुट गए, हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, अजब है इश्क यारा पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ, कभी कभी आस में कभी आए कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिन कहे वजालों में तेरी यादें तरहाए, तेरी यादें तर पाए रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए, मजल मजल इस दिल से आ निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया वो लुट गए, लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, 8 साल है आपकी तो 8 साल है तो उसमें से एक आध से सेटिंग करा दीजिए राहुल भाई, मैंने तुम्हे भाई चाल हर दिल की पुकार हर कर ले प्यार, ढोलना मैंने तुम्हे भाई चाल हर कर हर दिल दल जान, ढोलना भाई चाल हर दिल की पुकार हर कर ले प्यार, हाँ जी तो बस यू का आज का ये नया दिन फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप लोगों को जैसे कि पता है हम लोग फिलहाल राजगीर में होटल में स्टे कर रहे थे रात में, और अब फाइनली हम सारे लोग तैयार हो चुके हैं आगे के सफर के लिए, आगे जहाँ जा रहे हैं वो आपको वीडियो में ही देखने को मिलेगा, पहले कोई भी सरप्राइज खुली नहीं जाएगी, फिलहाल हमारे सूरज भाई तैयार हो चुके हैं, अभिषेक भाई तैयार हो चुके हैं, उधर राहुल भी अपना फोटोशूट करने में लगे हैं, और हम लोगों के बैग्स वगैरह भी पैक हो चुके हैं, तो ये जो फिलहाल अभी आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हैं ये फिलहाल राजगीर में मैं हूँ, और ये है होटल साकेत, ये होटल साकेत का टॉप फ्लोर है जहाँ मुझे रूम मिला था 501, ये रूम मुझे पैसा वसूल लगा क्योंकि ये व्यू कहीं नहीं मिलने वाला, वो भी पटना में बिहार में रह के ऐसा व्यू मिलना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं काफ़ी कम निकलता हूँ, सही बात है काफ़ी कम निकलता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता इस तरह के व्यू देखने, बट ये नसीब की बात है कि मुझे ऐसा व्यू देखने को मिला, अचानक से एक होटल बुक किया और उसके छत के ऊपर से मुझे ये व्यू मिल गया है, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारी अच्छी लगती हो हम यदि या हमारी टीम यदि आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब हो पा रही है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, तो चलिए मिलते हैं आगे, ये देखिए हमारे राहुल भी आज हीरो बन गए, क्या बात है, क्या हम लोग बढ़ते हैं आगे के सफर के लिए, हम लोग रात से होटल साकेत में राजगीर में रुके थे जो कि बंगाली पारा में मौजूद है, और अभी तक की जो भी सर्विस मुझे लगी बहुत अच्छी लगी, खासकर इनका रूम नंबर 501 के बारे में यदि मैं बोलूं तो वो सबसे बेस्ट रूम है मेरे अनुसार, क्योंकि ऊपर से जो पहाड़ का व्यू मिलता है वो अगर आप पटना में रहकर बिहार में रहकर अगर आप वैसा व्यू एंजॉय करना चाहते हैं जो कि आपको वीडियो में देखने को मिल गया होगा, तो आप बेशक यहाँ होटल साकेत आ सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये फिलहाल लोकेशन के लिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे द ओपन माइंड है, रास्ता थोड़ा पतला है बट जगह काफ़ी अच्छी है, और क्योंकि मैंने रात का व्यू दिखाया तो अभी मैं दिन का पूरा व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये फिलहाल इनका बाहर से प्लेस है, अगर मैं एक सिंगल शॉट में लेने की कोशिश करूँ तो हम लोग अपने सफर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मनी भाई हमारे वाहन चालक, हाय टीम